वेलकम अगेन। वियाग्रा टैबलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। इंडिया में बहुत पॉपुलर दवा है, तो इस दवा के अंदर क्या होता है, कैसे काम करती है, क्या शरीर में नुकसान कर सकती है, क्या आपको सावधानी रखना है, ये सब हम लोग बात करते हैं। वियाग्रा की बात करें तो इसके अंदर जो साल्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिलडेनाफिल। सिलडेनाफिल है, कैसे काम करता है ये, बेसिकली ये वेसो डायलेटर हम लोग बोलते हैं, जो पेनिस का टिश्यू होता है इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इससे पेनाइल टिश्यू में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करता है। अगर किसी को इरेक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा, मतलब इम्पोटेंसी में हेल्प करेगा। इससे ना तो टाइमिंग बढ़ती है, इससे ना स्पर्म काउंट बढ़ता है, और इससे और कोई दूसरे फायदे नहीं होते सेक्स संबंधी, सिर्फ और सिर्फ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है। अब इस टैबलेट की जो वियाग्रा टैबलेट है ये ओरिजिनली बनी थी, मतलब जिसने ये सिलडेनाफिल बनाया था, वियाग्रा जो कंपनी बना रही है ओरिजिनल इसी ने ही बनाया था, पैटेंट कराया था, इसलिए वियाग्रा बहुत महंगी है। अभी चूंकि पेटेंट रहा नहीं है, कोई भी बना सकता है, तो इसलिए सिलाग्रा नाम से, विगोर नाम से, पिनिग्रा नाम से, मैनफोर्स नाम से, सुहाग्रा नाम से, जो भी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं सबके अंदर सिलडेनाफिल होता है, और सब उसी तरीके से ही काम करती हैं, उतनी ही इफेक्टिव हैं, पर प्राइस बहुत कम है इन दवाइयों का। वियाग्रा का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो ये बताने का मेन मकसद ये है कि अगर आप कोई लेने वाले हैं वियाग्रा, तो उसके ये अल्टरनेटिव दवाइयां हैं जिनके अंदर सेम चीज डला है सिलडेनाफिल, और सेम तरीके से काम करता है। वियाग्रा चूंकि बहुत महंगी है तो आप उसको ना लें। बहरहाल अब वियाग्रा की बात करें कि कैसे काम करता है, तो इसके अंदर जो सिलडेनाफिल साल्ट रहता है, जो बेसिकली कंपाउंड है, वो क्या है, PDE5 इनहिबिटर हम लोग बोलते हैं, फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। ये जो ब्लड वेसल्स होती है पेनिस में उसको डायलेट करता है। कैसे डायलेट करता है, एक जो कंपाउंड निकलता है एनओ पेनिस के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, बेसिकली अगर किसी को सेक्स का स्टिमुलेशन आए किसी वजह से, देखने की वजह से या आवाज से किसी वजह से, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर एनओ निकलता है, और एनओ से फिर साइक्लिक GMP जो होता है वो जनरेट होता है। साइक्लिक GMP स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, उससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। तो ये जो दवाई है ये बेसिकली जो साइक्लिक GMP है उसके लेवल को कम नहीं होने देता, साइक्लिक GMP को डिग्रेड नहीं होने देता, उसको नष्ट नहीं होने देता, इस तरीके से ये काम करता है। तो इससे होगा क्या कि जो पेनिस का टिश्यू है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो पेनिस की हार्डनेस होती है, जो वो हार्ड होता है, उसमें ब्लड फ्लो की वजह से होता है। तो अगर ब्लड फ्लो पेनिस में अच्छा है तो ज्यादा सख्त होगा, नहीं है तो वो लूज हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से ये दवा काम करती है। इसका टाइमिंग से, ड्यूरेशन से, स्पर्म काउंट से, टेस्टोस्टेरोन से, फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है इस दवा का। सबसे पहले तो आप ये समझे, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है। तो अगर कोई टाइमिंग बढ़ाने के लिए, ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो इसको ना लें, इससे कोई फायदा नहीं है। उसके लिए अलग तरह की दवाइयां आती हैं, और चूंकि ये वेसोडाइलेशन पेनिस के अंदर कराती है और जाती ब्लड के अंदर है, तो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी वेसोडाइलेशन होगा, उससे वियाग्रा के कारण काफी तरह के साइड इफेक्ट आते हैं, जो कि सबको जानने चाहिए, क्योंकि वो कई बार साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकते हैं। दवा को कैसे लेना है, तो वियाग्रा 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम दिन में एक बार आपको लेना है। सबसे जरूरी बात ध्यान रखना है कि खाली पेट, क्योंकि खाली पेट ये आपके शरीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। खाना खाने के बाद आप लेते हैं, या स्पेशली तला भुना खाना जिसमें फैट हो, तेल हो, तो इसके एब्जॉर्प्शन को बहुत अफेक्ट करती है, up to 30%। मतलब कि आपने अगर 100 मिलीग्राम खाया तो 30% तो दवाई आपके शरीर में नहीं जाएगी। तो खाली पेट लेना है, दिन में सिर्फ एक बार लेना है, सबसे कम डोज से शुरुआत करें, 50 मिलीग्राम से कोशिश करें, और जब आपको जरूरत है सेक्स के 30 से 60 मिनट पहले लेना है, क्योंकि आपके ब्लड में जाने में उसको समय लगेगा। और इसका जो असर होता है वो लगभग आप ये समझें कि 12 घंटे तक इसका असर रहता है इस दवा का। और इस दवा को इंटरमिटेंट ही खाना चाहिए, मतलब कभी कभी खाना है, मतलब कंटिन्यू अगर आप खाएंगे, रोज खाएंगे, तो ये दवा काम करना बंद कर देगी और इसके साइड इफेक्ट अलग आएंगे धीरे धीरे, फिर ये दवा नहीं काम करेगी और इसके जो नुकसान होते हैं वो आपको देखना है। तो ये रेगुलर यूज की दवा नहीं है, कभी कभी इस दवा को खाना रहता है आपके प्लान के हिसाब से। इसलिए वियाग्रा से जो अच्छी, जो न्यूअर जनरेशन दवा, इसमें सिलडेनाफिल है, आजकल डालाफिल आती है, अवानाफिल भी आने लगी है, वो दवाइयाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। इसलिए रेगुलर यूज के लिए डालाफिल जो आती है वो फिर भी बेटर है,
वो ज़्यादा देर तक रहती है ब्लड के अंदर, ज़्यादा दिन तक असर करेगी, और उसको खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो वियाग्रा के बहुत तरह के साइड इफेक्ट हैं, लगभग ऐसा समझे कि आप ये लगभग 10% लोगों में साइड इफेक्ट आ सकते हैं, और कुछ लोगों में तो ऐसे साइड इफेक्ट आते हैं जिससे इनको मतलब वो दवा बंद करने की बेसिकली सलाह दी जाती है। तो एक तो सिर दर्द होना, इसके अलावा फ्लसिंग हम लोग बोलते हैं, चेहरा लाल हो जाना, गर्म पड़ जाना, गला गर्म पड़ जाना, इस तरीके से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाना, ये फीलिंग होगी, नाक बंद होना, नाक से खून आ जाना, दिखाई देने बंद कर देना, सडन लॉस ऑफ विजन होगा या धुंधला दिखाई देगा, और या तो जो दिखाई देता है वो नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए ब्लू पिल्स हम लोग वियाग्रा को बोलते हैं मेडिकल भाषा में। इसके अलावा कान का बचना या कान में सुनाई नहीं देना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, कमजोरी, थकान लगना, सिर घूमना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, तो इस तरह के काफी सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि 10% तक लोगों को हो सकते हैं। किसी को कुछ आएगा, किसी को कुछ आएगा, और ज्यादातर लोगों को जैसा मैंने बताया कि अगर कभी कभी यूज करते हैं तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आएगा। बहरहाल अगर कोई वियाग्रा ले रहा है तो उसको क्या सावधानी रखना है, इसकी थोड़ी सी बात करें, तो ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या है उनको दवा नहीं लेना, या तो डॉक्टरी सलाह से लेना, निगरानी में लेना है। स्पेशली ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा नाइट्रेट या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग बोलते हैं, जो कि वेसोडाइलेशन कराती है, मतलब जो काम वियाग्रा करती है सेम ये दवा करती है, दोनों का असर मिलके ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है। ऐसे लोग जिनको सीवियर लिवर डिजीज है या किडनी डिजीज है उनको भी नहीं लेना है, और एल्कोहल को अवॉइड करना है। एल्कोहल लेने से दवा का असर कम होगा और साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो ये एक जरूरी बात है। कीमत की बात करें तो ये दवाई काफी महंगी है, 50 मिलीग्राम थोड़ी सस्ती रहेगी, 100 मिलीग्राम से ज्यादा महंगी रहेगी, इसलिए इसके बदले अगर आप विगोर, सिलाग्रा, मैनफोर, सुहाग्रा इस तरह की दवा लेंगे, उसके अंदर भी सिलडेनाफिल होता है, वो सस्ते रेट में मिलेगी, 20 से 25 रुपए में ये टेबलेट मिल जाएगी। वियाग्रा संबंधित कुछ क्वेश्चन ये लेते हैं आप लोगों से कि खाली पेट लेना है, फुल पेट लेना है, तो ये दवा आपको हमेशा खाली पेट लेना है। कितनी देर पहले लेना है? 30 से 60 मिनट पहले लेना है। महिलाओं में क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। क्या इस दवा से टाइमिंग बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती। क्या यह दवा इनफर्टिलिटी के लिए, लो स्पर्म के लिए ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एल्कोहल के साथ ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्या ये फर्टिलिटी प्रभावित करती है? तो फर्टिलिटी पे इसका कोई असर नहीं, स्पर्म काउंट पे, टेस्टोस्टेरोन पे कोई असर नहीं है। एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज के पेशेंट ले सकते हैं? तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है और साथ में और कोई समस्या नहीं है, जैसे कि स्ट्रोक, लकवा न मार गया हो, हार्ट अटैक की कोई संभावना भी रिसेंट ना हुई हो, तो डायबिटीज कंट्रोल है तो आप ले सकते हैं। और एक बहुत जरूरी क्वेश्चन, क्या इस दवा को दिन में 2 बार ले सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है, दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, 1 बार आप लोगे तो इसका असर 12 घंटे तक रहता है। तो ये वियाग्रा से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए वो मैंने बता दी है। थैंक यू।